दिल्ली के अंदर कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना बूथ सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए संगठन के लोगों को मार्गदर्शन करने आए थे। सम्मेलन में अमित शाह जी ने भाजपा के कार्यकर्ता ये उम्मीद लगाकर आए थे कि अमित शाह जी ये बताएंगे कि 5 साल पहले दिल्ली के लोगों ने घर घर जाकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लोगों से भाजपा के लिए वोट मांगा था, दिल्ली के लोगों ने 7 के 7 सांसद जिताए, लोगों को उम्मीद थी कि शायद अमित शाह जी 5 साल के भाजपा सांसदों के उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जो है कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि भाई आप दोबारा इसलिए वोट मांगने जाओ कि हमारे सांसदों ने ये महान चमत्कारी काम किया है 5 साल के कार्यकाल में। चूंकि एक शब्द भी उन्होंने इस पर नहीं बोला कि 7 सांसदों में 5 साल में क्या काम किया है और दोबारा भाजपा के लोगों को सांसद का वोट क्यों देना चाहिए, पूरे टाइम वो इस बात पर बोलते रहे कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या नहीं किया, विधानसभा चुनाव की तैयारी बैठक लेने नहीं आए थे, दिल्ली के अंदर वो लोकसभा के चुनाव की तैयारी बैठक करने आए थे। तो मैं आज कल वो शर्मा रहे थे बोलने में, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास बोलने के लिए नहीं कुछ है। कार्यकर्ताओं ने डर के मारे नहीं पूछा, लेकिन मैं ये बात आज पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से कि पिछले साल 7 के 7 सांसद भाजपा के आप दिल्ली के लोगों ने बनाया था, आखिर एक वजह बता दीजिए जिसकी वजह से दोबारा आप लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों से सांसद चुनने की आप मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, कल कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन जी के दिशा निर्देश में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर यूथ कांग्रेस के लोगों ने आकर के तोड़फोड़ की बिना किसी कारण के। मैं बहुत ही विनम्रता से अजय माकन जी से कहना चाहता हूं, इस तरह की घृणित राजनीति को करना बंद करिए, और अगर फिर भी अगर आप चाहते हो कि कल जो आपने काम किया इसी तरह से अगर दिल्ली में राजनीति आगे बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी आपके हर हरकत का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक सकारात्मक राजनीति हो, इस तरह के घिनौनी जो हरकतें हैं उसको बंद करे कांग्रेस पार्टी और अजय माकन जी, क्योंकि अगर इस तरह की राजनीति को आप आगे बढ़ाएंगे तो शायद ये चीजें और इसकी क्रिया प्रतिक्रिया दूर तक जाएगी और जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है अजय माकन जी से कि इस तरह की बचकानी हरकत करवाना बंद करिए। जो कल घटनाक्रम हुआ है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी FIR भी कराएगी, लेकिन हम पुलिस के लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि ये बात समझ में नहीं आती है, जब भी कुछ आम आदमी पार्टी के साथ होता है पुलिस को ऐसा लगता है कि उसके हाथ पांव ही बंध गए, पुलिस के सामने सारी तोड़फोड़ हुई, पुलिस मुख दर्शक बनी रही। कहीं भी कोई घटना होती है अगर आम आदमी पार्टी के साथ होती है पुलिस के हाथ पर बंध जाते हैं, और अगर दूसरी कोई घटना हो तिल का उसको भी तार बना करके पुलिस 24 घंटे सक्रिय हो जाती है। ये बात समझ के परे ऐसा क्यों होता है। कल जब इस ऑफिस पे तोड़फोड़ की जा रही थी पुलिस यहां मौजूद थी और उसकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ है।
तो ये जो पुलिस का बार बार जो दोहरा मापदंड आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। भाजपा के लोगों को संरक्षण देती थी पुलिस, ये बात समझ में आ रही, लेकिन अजय माकन और उनके लोगों को कल पुलिस संरक्षण क्यों दे रही थी, ये बात समझ के परे है। इसलिए पुलिस के लोगों से भी ये बात हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उसमें संलिप्त होने की जगह एक निष्पक्ष और सबके लिए एक समान व्यवहार को आप अंजाम दें, जिससे कि पुलिस एक संस्था है, उसकी निष्पक्षता बरकरार रहे और सब लोगों का उस पर भरोसा बना रहे। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।